हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, मैं बात करने वाले सीएसबीसी बैंक लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ, साथ में आपको ये बताऊँ कि इस कंपनी का शेयर कहाँ पे बाय करना, कहाँ पे आपको एंट्री बनानी है, कितना क्या टारगेट रखना है, कितना सपोर्ट लेवल लेना है, कितना रेजिस्टेंस लेना है, लाइक और सारी चीज़ों की बात करेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर सीएसबीसी बैंक अगर परफॉर्मेंस देखिए, आज का दिन का स्टॉक जो है 284.50 पे क्लोजिंग हुआ है। स्टॉक ने एक दिन में ही जो है कम से कम 6.50% का इसे रिटर्न दिया है। स्टॉक की बात की जाए पर शेयर के पीछे कितना 16.55 रुपीज़ का इसने रिटर्न दिया है। तो स्टॉक में अगर आज का दिन जिसने भी इंट्राडे किया रहेगा तो उसको एक अच्छा खासा मोमेंटम इसमें मिला ही रहेगा। स्टॉक की बात की जाए, स्टॉक ने ये लेवल के आसपास अच्छा खासा जो है सपोर्ट लेके स्टॉक जो है अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक की बात की जाए, स्टॉक जब भी यहाँ सपोर्ट लेता है लास्ट 290 तक जाता है। अगर आपको यकीन नहीं तो अगर आप यहाँ ये लेवल देखें एंड ये लेवल देखें, जस्ट से मार्क करके दिखाती हूँ। सो अगर आप ये लेवल देखें एंड ये, सो वापस थर्ड टाइम वापस स्टॉक क्या है उसी लेवल पे सपोर्ट लेके वापस जो है स्टॉक जो है अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। सो अगर आप इंट्राडे करते हो सो ये कैंडल के हाई के आसपास बाइंग कीजिए। एंड सपोर्ट जो आपको मेन लेके चलना है वो आपको 280 का सपोर्ट लेके चल सकते हैं ये स्टॉक का। ओके, सो प्रॉपर आपको इंट्राडे में ये आपको रूल्स फॉलो करने हैं। बाकी अगर वही अगर यहाँ पे और भी चीज़ें देखी जाए जो कि लिए शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए इसको होल्डिंग करना है इसमें, सो उसके लिए आपको भी प्रॉपर आपको बाइंग एंट्री बताऊंगी। बट अगर स्टॉक की बात है, स्टॉक जो एक अच्छा खासा शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए एक अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकता है। तो चलिए आपको मैं लेवल्स आपको बता देती हूँ। येस, आई थिंक सो आपको चार्ट पर विजिबल होगा। सो वीकली वाइज पे कैंडल में लगाया, अगर वीकली वाइज परफॉर्मेंस देखे स्टॉक जो लगातार चार वीक से अच्छा का स्टॉक में सपोर्ट लेके स्टॉक जो अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक जब भी ये अच्छा सपोर्ट लेता है मैक्स टू मैक्स जो मैंने बोला 290 एंड लास्ट जब वीकली वाइज देखे तो 300 तक ही शेयर्स के जाने के चांस, 350 तक जाने के चांसेस हैं। तो स्टॉक ने वापस सपोर्ट यहाँ पे लिया है। सो अगर आपको बाइंग एंट्री बनानी रहेगी सो आप यहाँ क्या इस जगह पर आप बाइंग एंट्री बना सकते हैं। सो आपको यहाँ पे 290 के आसपास बाइंग एंट्री बनानी है, 302 का टारगेट रखना, ऑलमोस्ट जो है 12 पॉइंट का आपको मोमेंटम मिल सकता है। आपको इतना आपको टारगेट रखना है एंड वही सपोर्ट जो आपको लेके चलना है 270 का आपको सपोर्ट लेके लेवल लेके चलना है। बिकॉज स्टॉक जब भी यहाँ से सपोर्ट है तोड़ेगा एंड लास्ट प्लस जो स्टॉक है यहाँ तक आके गिरेगा, मीन्स 220 का लेवल तोड़ा तो लास्ट प्लस ये यहाँ आके गिर सकता है, मीन्स 180 तक। सो प्रॉपर आपको 270 का आपको सपोर्ट लेवल लेके चलना है एंड टारगेट जो आपको 302 का आपको लेके चलना है। सो ये तीनों ही चीज़ें डिस्क्रिप्शन में लिख के जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आई थिंक सबके जो डाउट है क्लियर हो गए हैं। सो गाइस, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।